Assalamualaikum friends, welcome to our YouTube channel Super Challenges. तो आज हमने क्या है बहुत इंटरेस्टिंग हेड एंड टेल चैलेंज। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो मैच में इस्तेमाल होता टॉस के लिए, तो आज हम इसी से एक चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैलेंज के जो रूल्स हैं वो आपको बताता है अहमद। तो इस चैलेंज के रूल्स कुछ इस तरह है, मैं और अबूबकर हेड टेल्स करेंगे, जो टॉस विन करेगा वो डिसाइड करेगा कि वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग। जैसे अबूबकर टॉस को विन कर लेता है और ये डिसाइड करता है बैटिंग, तो अबूबकर बैटिंग करेगा और मैं बॉलिंग करूंगा। इसमें ये होगा कि मैं और अबूबकर जब ऐसे खेलेंगे तो हमें कोई भी फिगर रखना होगा 1 2 3 4 5 6, और जो 6 है हम वो इस तरह रखेंगे। अब जैसे अबूबकर बारी ले रहा है, अबूबकर 4 रखता है और मैं भी 4 रखता हूँ, अगर हम दोनों सेम रख दिया तो अबूबकर आउट हो जाएगा, और अगर सेम नहीं रखा, जैसे अबूबकर 3 रखता है 2 रखता है, तो ये प्लस होंगे और ये इसका स्कोर होता जाएगा। तो ये गेम हम खेलेंगे तो आप लोगों को इसकी और अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी कि हम कैसे खेल रहे हैं। वैसे ये लास्ट में हमने पनिशमेंट शायद नहीं की थी, क्या किया था ये डिसाइड करने के लिए कि किसने ज्यादा खाया है, शायद इस वाले यानी इस तरह चैलेंज हमने को किया था, उसमें डिसाइड करने के लिए हमने हेड टेल वाली गेम खेली थी, यानी हाँ प्राइस डिसाइड करने के लिए कि कौन प्राइस करेगा, और वो तुम जीत गए थे हेड टेल्स, तो फिर अबूबकर को पैसे मिल गए थे, तो वो यही चैलेंज हम आज लेके आए हैं। और जो हमारा स्कोर होगा ना वो हम इस यानी स्कोर बोर्ड में लिखेंगे, यानी मेरा इस वाली साइड पे है और अहमद का इस वाली साइड, यानी हम इसमें टोटल 10 आउट खेलेंगे, यानी मैं अबूबकर को 10 दफा आउट करूंगा, फिर जो इसका स्कोर होगा उतना मुझे टारगेट मिलेगा, वो मुझे करना पड़ेगा। और अगर क्रिकेट की तरह ही है ये, लेकिन खेलना इस तरह ही से। और अगर पहली बारी मेरी आ जाती है यानी पहली बारी अहमद की आ जाती है, फिर मुझे टारगेट अचीव करना होगा। तो चले फिर बिना टाइम वेस्ट के चैलेंज शुरू करते हैं, और फिर शुरू करते हैं यानी मेरा हेड है। तो एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, जो इस चैलेंज का विनर होगा उसे मिलेंगे 5,000 रुपीज। तो ये तो मैं ही जीत सकता इंशाल्लाह। चलो चलें देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो ये देखने के लिए कि आज 5,000 रुपीज कौन जीतेगा, ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा। तो चलो अहमद मेरा हेड है, टेल्स थोड़ा ऐसे ऊपर होता है कैमरे में नजर है, हेड्स है टेल्स है, हेड्स है यस, पहले मैं बॉलिंग करूंगा। तो आप अहमद का 4 यानी मैंने स्कोर बोर्ड इस तरफ कर लिया, तो स्कोर बोर्ड तो रेडी है, मैं बारी लूंगा, जैसे मेरा एक आउट हो जाएगा वो बकर इधर लिख देगा वो। चलो पहला आउट इसका एक स्कोर हो गया, मुझे लगा कि मैं आउट का हुआ, अभी आउट हुआ, एक स्कोर, दो स्कोर, 2 5 7 7 2 9 9 4 13 9 4 13 13 4 17 17 5 22 भी तो पढ़ता ही जा रहा है, 22 6 30 28 28 पे आउट हो जाओ, ज्यादा फ्री भी नहीं होना। 28 स्कोर हुआ मेरा एक आउट के अंदर, इसका बहुत ही अच्छा गया 28 स्कोर में, यानी मुझे मारा है। अब देखते हैं नेक्स्ट आउट में कितना मारता है, 5 11 11 3 11 3 14, आराम आराम से खेलो पता भी लगे वहाँ, 14 14, ये नहीं सही, ये सही नहीं रखा गया ना इसलिए ये माना नहीं जाएगा, 14 14 15 15 3 18 18 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 6 33 33 39 45 तीन छक्के, चलो ऊपर रखो ना थोड़ा सा नजर आए, मेरा सिर्फ फिलहाल नहीं आ रहा, 45 45 पे आउट हो जाए, ज्यादा फ्री भी नहीं होना, लेकिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, अभी मेरी बारी भी आनी है, टेंशन नहीं है, 45 और 28 हो गया मेरा, अभी 2 आउट है बस। चलो अब आओ नेक्स्ट, ये क्या पहले सुना, पहले 3 अच्छा, उसके बाद 4 और 5, अच्छा 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 अच्छा, आउट 0 पे आउट, यस ज्यादा ही प्रिय हो गया था। Yes. कोई बात नहीं, 5 5 3 8 8 8 पे आउट हो जो, ज्यादा फ्री भी नहीं होना, यस बस पहले 2 आउट इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे, उसके बाद सारे 8, थोड़ा ऊपर रखो नजर भी तो आए, ठीक है बस अब नजर आ ही रहा इस तरह, ठीक है बस 6 6 9 9 2 11 11 पे आउट, ये अब क्या था, क्या था आउट, अच्छा भला हुआ 11 पे, कितना तेज हम मुंह बना लिया था, ये चीटिंग की है, चीटिंग कोई नहीं, 11 पे आउट, तो मेरे टोटल 5 आउट हो गए हैं, 5 आउट हो गए हैं और वो भी जल्दी से ही हुए हैं, 1 2 चलो नजर लग गया बकेट तेरी 45 जो 28, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, चलो आओ मेरे पहले 2 आउट बहुत अच्छे गए हैं, उसके बाद 0 8 11 और 1, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, अभी इंशाल्लाह इस आउट पे मेरा 100 200 स्कोर हो जाएगा।
मुझे तो खांसी आ गई है एकदम। दो पांच पांच पे 200 400 हुआ है। मत 200 तो तूने कह दिया, कोई बात नहीं 400 हो गया, 500 रुपए आउट, कोई बात नहीं। और अहमद के सिर्फ कितने आउट रह गए, 3 आउट रह गए, और 3 आउट रह गए, उसका भी कितना ज्यादा स्कोर, यानी चलो अभी एंड पे टोटल करेंगे 6 6 5 11 11 पे आउट, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना यार, बहुत कम स्कोर चल रहा है मेरा, नजर लग गया बैटिंग लाइनअप को मेरी, 6 6 5 11 11 5 11 11 पे आउट हो जा रहा हूँ। यस लास्ट आउट अहमद का रह गया और आप देख सकते हैं कि अहमद के ऑलमोस्ट सारे आउट हो गए। अब इंशाल्लाह ये बॉलिंग मेरी बड़ी अच्छी चलेगी, 6 6 5 11 3 11 3 14 14 4 18 अब इंशाल्लाह मैं चल पड़ा हूँ, 18 4 18 4 22 चल पड़ा हूँ किधर के लिए, 22 22 6 32 32 33 मार लिया थोड़ा ऊपर खो ना, 33 पे आउट, ज्यादा फ्री भी नहीं हो जनाब, फिर भी ये चला अच्छा मेरा, फिर भी अच्छा चल गया, पर इतना भी अच्छा नहीं चला। अब अहमद टोटल करने लगा, कैलकुलेटर हमारे पास है, तो देखते हैं अहमद का कितना स्कोर हुआ, 28 के बाद 45 के बाद आप ये पूरा कर दो, 19 18 12 कर दो ना, 11 1 5 11 11 और 33 मुझे 10 आउट्स में मेरा कितना है, 153 है, आप भी टोटल करें, वैसे तो हमने ठीक किया, 154 अब बकर को चाहिए जीतने के लिए, और ये 5000 जीतने के लिए सिर्फ 154 करना है। और मुझे हर आउट में अगर मैं 20 स्कोर करूं ना, एवरेज रखूं, तो मेरा बल्कि 15 भी रखूं तो मेरा ड्रैफ्ट ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा मैं इंशाल्लाह ठीक है, अब आओ मैं अभी बताता हूं, एक क्या ये क्या था ऐसे क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, मैंने एक रखा, तूने एक रखा के दो, मैंने एक ही रखा, तुमने दो रखा, मेरा ये दो क्या है? था ये क्या ये था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था, मैंने एक रखा, मैंने एक रखा, तुमने दो रखा, खैरियत है, दो ठीक है, दो दो के बाद 8 आगे आओ ना, नजर भी है, 8 के 8 पे आउट, 8 पे आउट, कोई बात नहीं, ये भी मेरा अच्छा चल गया ना, तो अच्छा ही हो जाएगा, 8 पे आउट, मजा आ गया, 4 4 5 9 9 1 10 10 10 पे आउट, यस, मुझे इस वक्त गुस्सा ही चल रहा है, तो ये दिखाना भी है जरा अपना, 8 और 10 गुस्से में तो मैं दिखाने ही भूल गया, 4 4 पे आउट, तीसरा अभी कोई तीसरा बात नहीं, 3 आउट हुए हैं और मेरा अभी सिर्फ 18 और 22 स्कोर है, और एमओ का 2 आउटों में तो बहुत, बल्कि 3 आउटों में बहुत ज्यादा स्कोर था, इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, 6 7 6 पे आउट, इंशाल्लाह पैसे मेरे हैं, ये किसने कहा है, अभी तो मेरा टाइम है, यानी अभी मेरे 6 आउट पड़े हैं और मेरा भी यानी काफी स्कोर हो सकता, चलो करना भी, 0 पे मुसीबत, ये पहले 5 आउट तो बहुत ही गंदे गए हैं और इंशाल्लाह आगे भी गंदे ही जाएंगे, 28 स्कोर मेरा सिर्फ 5 आउट में लगा और अब मैंने ज्यादा करना है, बहुत थोड़ा ऊपर रख लो, नीचे फिर कर लो, ठीक है, 3 2 5 5 1 6 6 6 12 12 2 14 14 5 19 19 1 20 20 6 26 26 पे आउट, यस, ना फ्री होने के दिन फिर भी बहुत अच्छा गया, अगर मैं मुझे तो लग रहा था पता नहीं यही चलेगी ना, तो बहुत ही मेरा अच्छा स्कोर जाएगा, यस, अब मुझे स्कोर करना ही होगा, 6 7 7 पे आउट, यस, 7वां आउट 7 पे आउट हुआ है, मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा, पर मैं कोशिश, इंशाल्लाह 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 सही लग रहा है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, अरे आउट में 40 करना मुझे अब अच्छा लग रहा है, इसे हार खुद ही अभी से फील हो रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, मैं कर सकता हूं, 3 यस 3 पे आउट, मैं तो मार के लिए निकल रहा, अब बहुत ज्यादा स्कोर करना है, बहुत मुश्किल है जीतना, 3 आए 1 4 5 9 9 पे आउट, यस 9 आउट 9 पे, 7वां आउट 7 पे, तो अब चले बकर का टोटल करते हैं, टोटल में एक दफा ही करेंगे, बस टोटल करते हैं ना, इसका एक आउट रह गया, टोटल करते हैं इसे फिर कितना चाहिए पता लग जाएगा,
चलो अभी वैसे तो बहुत ज्यादा चाहिए। 8 + 10 + 4 + 6 + 4 + 6 6 + 7 + 3 + 9 और अब बकर को कितना करना है? अब 4 - 73 = 73 81 पक्का है इंशाल्लाह। इसे जीतने के लिए 81 चाहिए है। तो चलो हो भी सकता है, ये मत कहो कि पक्का हार है। 4, 5, 8, 9 पे आउट। यस विन। शिट। यस। मेरा हुआ 81 स्कोर। यस। तो कोई बात नहीं। अफसोस तो मुझे हो रहा है। तो आज का जो प्राइस है 5,000 रुपीज। ओके मैं तो हार चुका और अहमद जीत चुका है, तो ये अब अहमद को मिलता है। अब अहमद विनर लिख रहा है अपने ऊपर। विनर नहीं, बस विन लिख देता हूँ जगह। चलो ठीक है, ये देखे हाँ मैंने विन लिखा है इसके ऊपर और आप पे भी लिख देता हूँ जरा। ओहो ये इतना स्टाइलिश लिखना जरूरी था? ये मेरी हरकत मुझे बहुत ही बुरी लगती है, जिसकी वजह से मैं हर बार जब भी हम घर में खेलते तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और मुझे मिला क्या कागज? अब ये इसे फाड़ दिया, वीडियो तो बुरी बन गई है। तो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बात है, इसे साइड पे रखते हैं। तो अगर आपको आपका चैलेंज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि चैलेंज आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।